आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्रांति पर पीएम मोदी राजनाथ सिंह ने देशवासियों को दी बधाई। हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर हर की पौड़ी में कड़ी सुरक्षा, कोविड की वजह से स्नान पर प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 8 हुई, 42 लोग घायल। भारत में कोरोना की दूसरी लहर जैसे फिर पैदा हो सकते हैं हालात, मौत पर यूएन की डरावनी रिपोर्ट ने चौंकाया। वाराणसी में मकर संक्रांति के मौके पर कोविड प्रोटोकॉल के लोगों ने सुबह सुबह गंगा में लगाई डुबकी, किया उल्लंघन। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश में राजनीति गर्माहट काफी तेज हो गई है। इस बार राजनीति की आग को हवा देने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी हैं। उन्होंने भाजपा हाईकमान पर ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय चेहरे को तवज्जो नहीं देने का आरोप लगाया है। वहीं उनका साफ कहना है कि पैराशूट प्रत्याशियों की वजह से आज तक ऋषिकेश का विकास नहीं हो सका। ऋषिकेश से ये खबर सामने आ रही है जहां राजनीति लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। पूर्व राज्य मंत्री ने अनदेखी का आरोप लगाया है। अगर कोई सच्चाई आप जानना चाहते हो तो ये एक रिफ्ट अंदर अंदर चल रही थी कि मेरे से बिना बात किए मैंने भाभी जी के लिए टिकट मांगा। मैंने आज सार्वजनिक कर दी सारी बातें कि मैंने भाभी जी के लिए टिकट मांगा, तो आपको पहले मेरे साथ बैठना चाहिए था कि इसको क्या करेंगे, हराना है या जिताना है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, मैंने अपने कमिटमेंट को अपने लिए निभाना है, मुझे किसी को खुश करने के लिए नहीं निभाना है। मैं पार्टी में हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि कैंडिडेट हर हालत में जीते। आपने यहाँ भी देखा हुआ है और जब मैं कभी कांग्रेस में रहा हूँ वहाँ भी देखा हुआ है कि मैं अपनी बात से नहीं जा सकता, अपनी जान से तो जा सकता हूँ लेकिन अपनी बात। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर आज मकर संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करना उत्तम माना जाता है। वहीं मकर संक्रांति पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाला पवित्र स्नान पर रोक लगाने के कारण हर की पौड़ी क्षेत्र को सील कर दिया गया है। इसलिए इस बार मकर संक्रांति स्नान पर्व पर यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है। हर की पौड़ी क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पूरे हर की पौड़ी क्षेत्र को सील कर दिया गया है। खबर ऋषिकेश से है जहां हरिद्वार रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास गीता नगर में एक विवादित भूमि पर फिर से लाठी डंडों के बल पर कब्जा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस मामले में भूमि पर काबिज पक्ष ने आईडीपीएल चौकी पुलिस को तहरीर देकर जबरदस्ती कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान तहरीर में काबिज पक्ष के बुजुर्ग ने बताया कि जब वो अपनी जमीन पर मौजूद थे इस दौरान ट्रॉली में भरकर 30-35 लोग पहुंचे जिन्होंने मौके पर खड़ी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये सब देखकर आसपास के मौजूद लोगों ने दो हमलावरों को पकड़ लिया जिन्हें पुलिस के हवाले सौंप दिया गया। आज वीरवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, हम लोग घर पे रहते, रेस्ट करते। 1:30 बजे करीब, 1:45 बजे करीब 50-60 बदमाश हमारे फादर अपने प्लॉट में बैठे थे, हमारी जमीन में, जिसमें डीएम ने और कोर्ट से भी हमारा सब आ रखा है कि हम मालिक है, मालिकाना का हमारे फादर का 60 साल से बिजली पानी किराएदार। आज सडनली 50-60 बदमाश 4-5 कोनों से आए, कुल्हाड़ी सब्बल लेके, डंडे लेके और मतलब मारने, जान से मारने की प्रयास। और जैसे मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हुए, लेडीज़ इकट्ठी हुई हैं, आदमी इकट्ठे हुए हैं, 400-500 लोग आए, उन्हें देख के भागे हैं। अपना नाथी राम, क्या हुआ था आज? आज ऐसा है भाई, ये 60 साल से हमारे पास ये ज़मीन है, डीएम का ऑर्डर सबका हमारे पास है, कागज़ सब हमारे पास है, तो फिर ये जो है क्या कहे 50-60 घुंटे ले कर आया बाबा और ये हमारी दीवार धूल सब तोड़ दी उसने। अच्छा, और पिस्तौल चाकू भाले।
खबर ऋषिकेश से है, जहां टिहरी जनपद की पुलिस ने चुनाव को लेकर सुरक्षा समेत तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है। इस दौरान जिले और थाना क्षेत्र के नाकों पर चेकिंग से लेकर सुरक्षा के सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान SSP ने पुलिस कर्मियों को स्थानीय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखने का निर्देश दिया। अभी BSF की दो कंपनी जनपद को आवंटित हुई हैं, तो उसमें एक कंपनी टिहरी नई टिहरी में और एक कंपनी मुनिकृति क्षेत्र में अभी व्यवस्थापित की गई है। एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च और पिकेट ड्यूटीज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरामिलिट्री के साथ में। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस पूरी तरह गियर अप है इलेक्शन कराने के लिए। इसमें 107-16 CRPC की कार्रवाई, 110G गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, इसके तहत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो जनपद में शस्त्र हैं वो लगभग 75% हमने जमा करा लिए हैं, और इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि अगले 4 दिन में हम इसको 100% जमा करा लेंगे। अगर कोई शस्त्र जमा नहीं करता है तो उसके लाइसेंस कैंसिलेशन की रिपोर्ट हम प्रेषित कर रहे हैं, उसका लाइसेंस जो है उसका निरस्तीकरण। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए शासन ने सरकारी कार्मिक के लिए घर से ही कार्य करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब गर्भवती महिलाओं और 58 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिक जिन्हें गंभीर बीमारी है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्रभारी सचिव VK सुमन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासकीय कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में नए आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार शासकीय कार्यालयों में आवश्यकता होने पर ही किसी भी गर्भवती महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के किसी कर्मचारी को ऑफिस बुलाया जा सकता है। खबर चमोली से है, जहां आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने पुलिस लाइन गोपेश्वर से मंदिर मार्ग तक फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने जनपद के लोगों से आचार संहिता के नियमों का पालन करने की अपील की और जनपद में सभी आने वाले वाहनों को पुलिस अधिकारियों ने जांच करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।